हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मांग का नियम। मांग के नियम को जानने से पहले एक जिस शब्द के बारे में हमें पता होना चाहिए वो है मांग। मांग से क्या अभिप्राय है ये जानना आवश्यक है। साधारण रूप से हम ये सोचते हैं कि मांग का अर्थ होता है किसी वस्तु को लेना, किसी वस्तु को लेने की इच्छा का होना, किंतु ये पर्याप्त नहीं है। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में जब हम मांग शब्द की बात करते हैं तो इसमें 5 तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से? पहला, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का होना। दूसरा, उस वस्तु को लेने के लिए साधन का होना। तीसरा, साधन को व्यय करने की तत्परता का होना। चौथा, निश्चित कीमत। और पांचवा, निश्चित समयावधि। ये जो समयावधि की बात है ये प्रोफेसर बेनहम ने हमारे सामने रखी। बेनहम ने ये बताया कि जब हम किसी वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं तो ये किसी समय के साथ संबंधित की जानी आवश्यक है, क्योंकि समय जैसे ही परिवर्तित होता है वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन आ जाया करते हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण लेती हूँ मैं आपके लिए। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी लेने की इच्छा है, तो क्या ये स्टेटमेंट मांग को पूरा कर रहा है? नहीं, अभी इसमें समय की बात आपने नहीं करी और ना ही गाड़ी की कीमत की बात की। तो इसको हम संशोधित रूप में किस प्रकार रख सकते हैं कि हम आज 6 लाख रुपए की एक गाड़ी लेना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट अब कैसा है? पूरा स्टेटमेंट है हमारा, जो कि मांग को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसमें समय आज का दिन और कीमत 6 लाख रुपए हमने कही है। तो मेरे हिसाब से आपको मांग शब्द का अभिप्राय समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ मांग के प्रकार के बारे में। मांग के 3 प्रकार होते हैं। पहला मूल्य मांग, दूसरा आय मांग और तीसरा आड़ी मांग। मूल्य मांग कीमत से संबंधित होती है, आय मांग आय से संबंधित होती है, और आड़ी मांग संबंधित वस्तुओं की कीमतों से संबंधित होती है। संबंधित वस्तुएं कौन सी कहलाती हैं? जो कि किसी ना किसी रूप में दूसरे से संबंधित हो सकती हैं। जैसे चाय के साथ हमें चीनी की मांग करते हैं, या चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चीज़ें या तो पूरक हो सकती हैं या प्रतिस्थापन। इनकी विस्तार से चर्चा हम मांग की आड़ी लोच जब पढ़ेंगे तब करेंगे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं मांग का नियम। तो मांग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है पहले ये जानते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल, जो कि हमारे आर्थिक जगत के एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए हैं, तो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा मांग के नियम को प्रस्तुत किया गया है। और ये नियम मांग और कीमत में संबंध को बताता है। इट सिंपली एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस, यानी किस कीमत पर वस्तु की कितनी मांग की जाएगी ये बताने वाला स्टेटमेंट मांग का नियम होता है। मांग के नियम में एक और बात महत्वपूर्ण है, और वो क्या है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, यानी कीमत और मांग में उल्टा संबंध दिखाता है मांग का नियम। अर्थात ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मांग की जाएगी और नीची कीमत पर वस्तु की अधिक मांग की जाएगी। गणितीय रूप में यदि हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? डी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। मांग फलन होती है कीमत का, यानी किसी भी वस्तु की मांग निर्भर करती है उस वस्तु की कीमत पर। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि ये जो मांग का नियम है ये कुछ मान्यताओं को रख के मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यानी इसी स्टेटमेंट में एक और बात जुड़ी हुई है, और वो बात क्या है? अन्य बातें समान रहें तो अब हम ये जान लेते हैं कि वो अन्य बातें कौन कौन सी हैं जिनके साथ ही ये मांग का नियम लागू होगा।
तो ये अन्य बातों में पहला पॉइंट है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, एंड दूसरा पॉइंट है नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, यानी उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी मांग और कीमत में विपरीत संबंध देखा जाएगा। और क्या कहते हैं मान्यताओं के रूप में मार्शल, कि जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर संबंधित वस्तु, मान लीजिए प्रतिस्थापन वस्तु है, चाय की जगह मान लीजिए कॉफ़ी की को प्रयोग किया जा सकता है, कॉफ़ी की कीमत घट जाएगी तो क्या होगा, चाय की कीमत बढ़ने पर क्या होगा, कॉफ़ी की मांग करने लगेंगे। चाय की कीमत घटेगी तो भी अब कॉफ़ी के आप आदि हो जाओगे तो कॉफ़ी ही पीने लगोगे, तो रिलेटेड गुड की मांग में कोई परिवर्तन, प्राइस में रिलेटेड गुड की प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर चाय की कीमत ज्यों की त्यों बनी हुई है और कॉफ़ी की कीमत सस्ती हो जाए, कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए, तो आप चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग करने लगेंगे, इसलिए ये मान्यता मार्शल ने पहले ही है। कंज्यूमर्स की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी जैसे वे थे आर्थिक रूप से वैसे ही रहने चाहिए। अगली मान्यता ये है नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस, यानी भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की भी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ कमोडिटीज एंड नो न्यू सब्स्टिट्यूट डिस्कवर, कोई नई प्रतिस्थापन वस्तु की खोज ना हो जाए और जो वस्तु एक उपभोक्ता यूज में ले रहा है उनकी संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब ये assumptions पूरे होंगे, जब ये मान्यताएं पूरी होंगी, तभी मांग का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा, ये कहते हैं प्रोफेसर मार्शल। अब मांग के नियम को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक तालिका के रूप में हमने डिमांड शेड्यूल को दिखाया है। डिमांड शेड्यूल आप व्यक्तिगत स्तर पर भी दिखा सकते हैं और बाजार की मांग तालिका के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सरलता के लिए हमने एक ही यहाँ पर डिमांड शेड्यूल लिया है जिसमें दो चीज़ें दिखाई हैं, एक और प्राइस और दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांड, यानी एक तरफ कीमत और दूसरी तरफ मांग। तो जब कीमत एक रुपया है तो मांग 5 किलोग्राम की है, कीमत बढ़ जाती है 2 रुपये हो जाती है तो मांग घट के 4 किलो हो जाती है, कीमत और बढ़ती है 3-5 रुपये हो जाती है तो मांग क्वांटिटी डिमांडेड घटती हुई 3-2 से घटकर 1 किलो की रह जाती है। तो इस तालिका में आप देख पा रहे हैं कि जब कीमत कम है तो मांग अधिक है और जब कीमत ज़्यादा है तो मांग कम है। अब इसी तथ्य को जब हम डायग्रामेटिकली प्रस्तुत करते हैं तो हमें मांग वक्र प्राप्त हो जाता है। अब मांग वक्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डीडी रेखा के द्वारा दिखाया गया है डिमांड कर्व, और ये ऊपर से नीचे बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ है। इस पर दो बिंदु हमने दिखाए हैं ए और बी। ए बिंदु पर ओपी कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा ON1 है और अगर कीमत घट के OP1 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ के ON2 हो जाती है। तो इस प्रकार मांग और कीमत में विपरीत संबंध को दिखाने वाला ये कर्व क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है, और जिसे DD रेखा के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये DD रेखा ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई ही क्यों होती है, यानी ऊंची कीमत पर कम मांग और नीची कीमत पर अधिक मांग क्यों की जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मांग का नियम लागू होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो वो कारण यहाँ पर हमने दिखाए हैं आपको 4। पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। दूसरा इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव। तीसरा न्यू कंज्यूमर्स यानी नए उपभोक्ताओं का जनित हो जाना।
और चौथा डिफरेंट यूजेस, यानी वस्तु की अलग अलग प्रयोगों में लिया जाना, आरंभ हो जाना, विभिन्न प्रयोगों में वस्तु को लेना। तो ये चार पॉइंट्स हैं, ये चार कारण हैं जो कि मांग के वक्र को नीचे की ओर झुकाते हैं। बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई रेखा होती है मांग रेखा। तो इनका हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या बताता है? अलग से भी हम इस लॉ को पढ़ेंगे, आज हम आपको संक्षेप में इसको यहाँ पर समझा रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जब किसी वस्तु का प्रयोग एक उपभोक्ता के द्वारा निरंतर बिना रुके हुए किया जाता है, तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अगली इकाई, प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, और उपभोक्ता एक वस्तु के लिए उतनी कीमत देना चाहता है जितनी उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता होती है। चूंकि वस्तु के प्रयोग को बढ़ाने से उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, इसलिए एक उपभोक्ता के पास जब वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ हो जाती हैं तो वह उस वस्तु की कम कीमत देने के लिए तैयार होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मांग की जाती है और नीची कीमत पर वस्तु की अधिक मांग की जाती है। अब दूसरा पॉइंट आय प्रभाव समझते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इनकम बढ़ जाती है, यानी वास्तविक आय, रियल इनकम बढ़ने से उपभोक्ता उस वस्तु की पहले से अधिक इकाइयां क्रय करने में सक्षम हो पाता है। इसलिए जब कीमत कम होती है तो उस वस्तु की अधिक इकाइयां उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाती हैं और मांग का नियम क्रियाशील हो जाता है। तीसरा पॉइंट है नए उपभोक्ताओं का उत्पन्न हो जाना। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो देखिए, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, मान लीजिए कम आय वर्ग के व्यक्ति कोई महंगी वस्तु पहले नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब वो वस्तु सस्ती होने के कारण अब वे भी व्यक्ति उस वस्तु को खरीद पाते हैं जो कि कम आय वर्ग के हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? उस वस्तु का उपभोक्ता वर्ग बढ़ जाता है। न्यू कंज्यूमर्स, नए कंज्यूमर्स बाजार में आकर्षित होते हैं उस वस्तु को खरीदने के लिए, और कम कीमत पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी मांग का नियम लागू हो जाता है। चौथा पॉइंट है डिफरेंट यूजेस, यानी वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम कई प्रयोगों में ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप बिजली ले लीजिए, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का प्रयोग हम बल्ब जलाने के लिए करते हैं, लाइट को जलाने के लिए करते हैं, यानी प्रकाश के लिए करते हैं, जो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग है। लेकिन अगर वो सस्ती हमें उपलब्ध होती है तो हम क्या करते हैं? उससे हम एसी भी चलाते हैं, उससे हम कूलर भी चलाते हैं, हीटर भी चला लेते हैं, बिजली के बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़ सस्ती होती है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उसके विभिन्न प्रयोग बढ़ जाते हैं। और जब वस्तु महंगी होती है तो उसे केवल उसी प्रयोग में लाया जाता है जिस वस्तु को जिस प्रयोग में अत्यंत आवश्यक समझा जाता है। तो इस तरह से ये चार कारण आपने जानने, जो कि मांग के नियम के लागू होने के महत्वपूर्ण कारण हैं। अब इसके अपवाद भी हैं, और अपवाद हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज आपने जाना मांग का नियम क्या होता है। धन्यवाद।